अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, होप यू आर डूइंग वेल। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक ही होंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट निशा खान और आप देख रहे हैं आपका अपना शो गुड इवनिंग पाकिस्तान। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि मेरे शो पे बहुत मज़ेदार गेस्ट आते हैं और आज भी वैसे ही मेरे साथ दो गेस्ट मौजूद हैं जिनका इंट्रो मतलब मुझे करवाने की समझो नीड ही नहीं है, क्योंकि वो अक्सर टीवी स्क्रीन्स पे नज़र आ रहे होते हैं और उन्होंने बहुत जल्दी इंडस्ट्री में अपना नाम बनाया। इज़ वेरी टैलेंटेड और वेरी यंग। आए हम अपने गेस्ट से आपको इंट्रो करवाते हैं। तो जी नाजीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं आदि खान एंड समी खान, जिन्होंने रिसेंटली किया है चुपके चुपके, बहुत ही ड्रामा था अभी रिसेंटली रमजान में ही किया है। और उनके जो भाई हैं उनका तो आप लोगों ने मतलब देखा ही होगा, सुनो चंदा इज वेरी हिट प्रोजेक्ट जिन्होंने अभी हम टीवी पे वर्क किया है। हाय आदि, हाय समी, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है, मजे में। कोई प्रॉब्लम चार्टून तो नहीं हुई आने जाने में आप? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है जी, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम करते हैं। रिसेंटली आप लोगों ने इतना अच्छा प्रोजेक्ट किया है यार, और बहुत कम टाइम में आप लोगों ने अपना नाम बनाया। कितना टाइम हुआ इंडस्ट्री में आप लोगों को? मैं जो हूँ आई एम वर्किंग सिंस व्हेन आई वाज आई गेस 6 मंथ, मतलब तब तो बेबी था मैं। oh, लेकिन जब मुझे होश आया, तो जब मैं होश में था तो I guess I was like 5 years old या 6 years old. Okay, माशाल्लाह देखते देखते बड़े हो गए, छोटे से थे बिल्कुल, height height भी निकाल लिए। कितना इसको कितना time हुआ? मुझे भी यही कोई 7-8 महीने का था मैं, तो मैंने वही shields का commercials करते थे, मतलब as a baby, मतलब हम baby as a baby हम आते हैं। हाँ बिल्कुल, basically देखते देखते बस height height निकाल लिए, बड़े हो गए। Recently तुमने अभी चुपके चुपके किया था I think हम TV का project था, जिसमें तुम्हारा क्या आयजा खान के ब्रो थे शायद? नहीं, आयजा खान और आयजा खान मैं हम लोग कजन्स थे, तो मैं और अरसलान नसीर जो सीबी हैं वो हम लोग ब्रदर्स थे। okay. और आयजा खान और एक और बच्ची अरीशा सुल्तान वो सिस्टर्स थी, मतलब हम लोग कजन्स थे सारे आपस में। ओके ओके, इसके अलावा भी कौन सा राइट नाउ प्रोजेक्ट कर रहे हो? अभी इंशाल्लाह मेरा एक बहुत जल्द जियो पे टेलीफिल्म आएगी। okay. उसका बस इंशाल्लाह अभी नाम हम डिस्क्लोज नहीं किया। okay. बस कमिंग सून है वो भी, और दूसरा मैं एक एक्सप्रेस टीवी का एक प्ले कर रहा हूँ। ओके, तो बस इंशाल्लाह वो भी। आपका कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है राइट नाउ? मेरा अभी जियो पे ऑनियर है, मोहब्बत दाग की सूरत। ओके ओके, क्या करेक्टर उसमें आपका? उसके अंदर करेक्टर जो है मतलब नीलम मुनीर का जो है, मतलब वो एक भाई है मतलब। अच्छा अच्छा, ओके। नहीं, काम तो आप लोग माशाल्लाह बहुत अच्छा काम करते हैं, कमर्शियल्स भी काफी करते हैं, कमर्शियल्स में तो ऑलरेडी दिख ही रहे होते हैं आप लोग। जी जी। तो मतलब शौक था या फिर किसी के थ्रू आए हो, या कोई खानदान से था या फैमिली से था? नहीं, बेसिकली इट्स ऑल अबाउट टैलेंट। तो ना किसी की अप्रोच थी। हाँ, मेरी अम्मी का हार्ड वर्क है इसमें, माशाल्लाह। आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि मैं उनकी वजह से, हाँ उनकी वजह से हम माशाल्लाह अब इस फील्ड में। तुम लोगों को टैलेंट था या शौक भी था या सिर्फ टैलेंट की मतलब टैलेंट के ऊपर? देखिए, आपको अगर एक चीज का टैलेंट, आपके पास एक चीज का टैलेंट है ना, और अगर आप वो कर सकते हैं, आपके पास उस चीज का हुनर है, तो वो शौक में बदल जाती है। दैट्स अ ट्रू, ये भी है बिल्कुल। तो फर्स्ट प्रोजेक्ट कौन सा किया था तुमने वैसे अपना? ड्रामास में, सीरियल्स में मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट जो था वो था दलदल। ओके, ड्रामे से स्टार्ट लिया है पहले? नहीं नहीं, मैंने कमर्शियल से स्टार्ट किया, कमर्शियल्स किए हैं पहले। सबसे पहले मैंने टेलीकम्युनिकेशंस किए बहुत सारे। okay. फिर उसके बाद भी रिसेंटली भी मैंने टेलीकम्युनिकेशन ही किया था। ओके okay. तो वो बहुत माशाल्लाह फेमस हुआ, हदीका कियानी और मैं थे उस कमर्शियल के अंदर। जी जी। और आपको शौक था या फिर बस भाई को देख के शौक हो गया? और बस भाई के साथ साथ जाता था, तो एक दो दफा ट्राई भी किया तो अच्छा लगा, तो फिर मैंने क्यों ना इसको कंटिन्यू करें आगे। माशाल्लाह, नहीं बहुत अच्छा काम करते हो, अल्लाह ताला और कामयाबी दे आगे इन फ्यूचर भी। बाकी क्या चीज, क्या हॉबीज है तुम लोगों की वैसे? मैं बेसिकली बड़ा वो, मतलब मेरी वो हॉबीज नहीं है कि यार क्रिकेट फुटबॉल वगैरह, मैं थोड़ा डिफरेंट हूँ। मैं मतलब मेरा जो शौक है दूसरा वो है ऑटोमोबाइल, मोटर स्पोर्ट्स। ओके, तो मैं उसमें ज्यादा इन होता हूँ। ओके, और एज इट इज मेरा देखी देखी में ये भी मेरे साथ पीछे पीछे लाइन में आ रहे हैं। अच्छा, ये तुम्हें फॉलो करते हो? वो एक होता है ना कि इंस्पिरेशन होती है कि यार चलो मेरा बड़ा भाई अगर किस चीज में लगा हुआ तो किसी वजह से लगा, तो यार मैं भी इसी फील्ड को फॉलो अप कर लेता हूँ। अब ये मीडिया है, ये शोबिज है, ये भी हमारा है, बिल्कुल इसमें भी हम काम कर रहे हैं, और साथ साथ अपना शौक जो दूसरा वो भी हम करते रहते हैं पूरा। ओके ओके, खाने पीने का शौक है,
फूडी हो, ये तो फूडी है तुम। वो सेट से बता नहीं आपको। वो तो माशाल्लाह खाते पीते घर से हो। तुम लोग पठान फैमिली से हो, पठान तो ऑलरेडी मैं भी पठान हूँ, तो हम लोगों के तो खानदान ही चला आता है ना कि हम खाते पीते घर से होते हैं, तो इसी वजह से तो बेचारे को कसूरवार बेकार ठहरा रहे वो कर रहे हो तुम लोग। ये तो चलो मतलब ये देखते देखते बड़ा हो गया है, वरना तो यहाँ लोग इतनी जल्दी हैवी हो जाते हैं ना, खाते पीते घर से होते हैं, वो तो सही है उस हिसाब से ये बेस्ट है। नहीं तो उसके हिसाब से अगर क्या कहते हैं खाता पीता भी तो वर्कआउट भी करता है माशाल्लाह। अच्छा, ये वर्कआउट करता है? मतलब वॉक करते हैं, साइकिलिंग करता है, उसके बाद स्विमिंग करते हैं हम लोग। वाह भाई वाह, तुम तो मेंटेन हो, तो मैं देख ही रही हूं। तो मतलब ट्रैवलिंग का शौक है, बाहर वाहर जाते हो, ट्रैवलिंग जाते हो ना? ट्रैवलर तो हम दोनों है, हम तीनों है, फैमिली हमारी पूरी होती है। हमारा जहाँ दिल करता है, जैसे अब हमारे पास शूट का गैप है, डेट्स है हमारे पास, जैसे की अभी फॉर एग्जाम्पल मैं आज आपके शो के लिए आया हूँ, मैं इंशाल्लाह फिर 6 को वापस आऊंगा और फिर उसके बाद 25 तक ऑनवर्ड्स मैं कराची में हूँ। तो बस ये लगा रहता है हमारा, जब जब हमारे पास गैप आता है तो हम लोगों का क्या होता है, हम लोग गाड़ी स्टार्ट करते हैं, पाकिस्तान में किसी भी जगह निकल जाते हैं, पाकिस्तान में कहीं पे भी निकल जाते हैं। हमारा एक घंटे में प्लान बनता है इस्लामाबाद का, तो बाकी एक घंटे के अंदर हम इस्लामाबाद निकल जाते हैं। अच्छा, फिल्म की है कोई? फिल्म अभी नहीं की, अभी नहीं की, अभी नहीं की। मैंने दोनों ने नहीं की, नहीं इसने की है। आपने कौन सी फिल्म की? मैंने एक करी थी मैरोनिसा भी लव यू। अच्छा अच्छा, उसके बाद एक दो और है। रॉन्ग नंबर टू भी थी आई गेस। नहीं नहीं नहीं, रॉन्ग नंबर टू नहीं थी, वो भी करी, परवाज़े जुनून भी करी है, उसमें भी था मैं। ओके, एक दो फिल्म्स और हैं उनका, थोड़ा पाकिस्तानी फिल्म्स की है। तुमने अभी कोई फिल्म, अगर ऑफर मिले तो? मैं अभी नहीं करूँगा, मतलब नो अभी, अभी इसलिए नहीं करूँगा बिकॉज के मेरा जो वो है एक एज ग्रुप है ना, दिस इज नॉट फॉर द फिल्म। या ऑब्वियसली यू आर यंग। हां, मैंने वो भी करी है, वो कायदे आजम जिंदाबाद। अच्छा, ये जो रिसेंटली अभी गई, अभी आएगी इंशाल्लाह। अच्छा, क्या कैरेक्टर था उसमें? उसके अंदर कैरेक्टर ये था कि मतलब मैं थोड़ा शरारती सा होता हूं। वो तुम रियल में नहीं हो, ऐसे ही है ना, जो नेचुरल होती है इंसान वही कैरेक्टर सूटेबल होती है ना। मैं सोचता हूं लेकिन हर चीज की नॉलेज बहुत होती है। अच्छा, हेल्प कर रहा हूं, बता रहा हूं तुम। माशाल्लाह, ओके। तो इंडस्ट्री में कैसा लगा, मतलब जब शुरू में आए कितना स्ट्रगल करना पड़ा? देखिए, स्ट्रगल तो माशाल्लाह काफी की है और जो स्ट्रगल होती है वही आपकी एक सक्सेस होती है। ऐसे ही है, आप अगर स्ट्रगल नहीं करेंगे तो वो मतलब पूरी पूरी सपोर्ट करती है, पीछे बैक पे आपकी अम्मी खड़ी हुई है, तो आप लोग इजीफुल रहते हैं कि यार हमारी तो अम्मा साथ साथ ही है, सारी चीजें अम्मी देख रही होती हैं। अब कुछ लोग अकेले स्ट्रगल कर रहे होते हैं अपनी जिंदगी। इनफैक्ट अभी भी, आज भी आई एम माशाल्लाह 19 इयर्स ओल्ड, बट लगते नहीं हो ना, और बड़े लगते हैं। आज भी जितनी भी मैनेजमेंट है वो सब मामा संभालती हैं। ठीक है, वो तो मैंने देखा है, अकाउंट्स हमारा, फाइनेंस वगैरह। अच्छा, सब कुछ मामा, ईच एंड एवरीथिंग वो करती हैं। वो तो देखते देखते बड़े हो गए हो दोनों, वरना तो वो छोटे ही हो, वेरी यंग। यही तो मैंने बोला कि बहुत कम टाइम में बहुत अच्छा नाम बनाया माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आदि, अगर मौका मिले काम करने का ड्रामे में लीड रोल, किसके साथ करना चाहोगे? फीमेल कोस्टार? देखिए, हमारी इंडस्ट्री में माशाल्लाह हमारी बहुत सारी लड़कियां जो टैलेंटेड हैं, तो एज एन हीरो अब वो तो वक्त ही बताएगा कि किसके साथ काम करें। आयशा खान इस मतलब पाकिस्तान की बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, आपने उनके साथ काम किया, बहुत बड़ी बात है, लोग तरसते हैं काम करने के लिए। उसके अलावा बताओ, मुझे अक्सर लोग बोलते हैं आयशा खान के साथ शौक है, हुमायूं सईद के साथ शौक है, तुम्हें जैसे आयशा खान के अलावा बताओ किसके साथ शौक है? देखिए, अब जैसे जैसे हमारा वक्त आगे जा रहा है, अब जैसे फॉर एग्जांपल हम आगे मूव ऑन कर रहे हैं, तो हमारे मूवी में बात दोबारा रिपीट करूंगा, बहुत सारी लड़कियां, टैलेंटेड लड़कियां हमारे साथ अभी आ रही हैं इंडस्ट्री। हाँ, अब बहुत सारे न्यू फेसेस भी हैं, बिल्कुल, अब बहुत सारी हैं जिनके आई एम सॉरी मुझे नाम भूल भी जाते हैं तो अब देखते हैं कि किसके अच्छा, साथ क्या पेयर बनता है। नहीं, ऐसा कोई आइडिया नहीं हो भी सकता है, मे बी। हाँ, वैसे की कौन फेवरेट है पाकिस्तानी? फेवरेट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं किसी से इंस्पायर नहीं हूँ, ना किसी फीमेल से ना किसी मेल से, नॉट इन पाकिस्तान। इवन के मैं हॉलीवुड बॉलीवुड आप कहीं पे भी देख ले, मुझे किसी का मैं किसी से इंस्पायर नहीं होता, मैं अपनी इंस्पिरेशन खुद हूँ, क्योंकि जो चीज आप खुद कर सकते हो ना वो आप किसी और से सीख नहीं सकते हो। वो क्या फायदा आपका कि यार आप फलाने एक्टर की कॉपी करके, यार नहीं, ये मैं ये नहीं, आइडियल नहीं है आपको?
मेरा भी यही बात है, मतलब कोई शौक है किसी के साथ काम, सबके साथ काम कर तो लिया, वो और कौन रहे नहीं, कोई लड़की शड़की मतलब कोई ऐसा है? नहीं नहीं, वही वक्त बताएगा। अच्छा अभी आगे इन फ्यूचर अभी नहीं, मतलब कोई चाइल्ड आर्टिस्ट में आपको कौन पसंद है जो आपके साथ, जिसके साथ आपको काम करना हो इन फ्यूचर? किसके साथ? कोई भी नहीं है, बस खुद ही सब सबके साथ कर लिया, आगे इंशाल्लाह जो टाइम होगा जो होगा वो देखा जाएगा उस पर। ओके, अभी तो कोई नहीं है। अच्छा दोनों भाई में लड़ाइयाँ कितनी होती है घर में, पहले तो ये बताओ, लड़ता कौन है सबसे ज्यादा? गिन नहीं सकते, जैसे चीनी का दाना गिन नहीं सकते ना। अच्छा हाँ, तो लड़ते हो आपस में? हाँ। कितनी लड़ाई लड़ाई होती रहती है बस, बट डिपेंड करता है, नहीं डिपेंड करता है, वो एक होता है ना ग्राफ बनते है ना, तो ग्राफ पे डिपेंड करता है। खाने पीने में ज्यादा कौन मतलब चुड़चुड़ा है, नहीं मैं ये नहीं खाऊंगा, नहीं मुझे ये चाहिए, हम सब खा लेते हैं। अच्छा नहीं, ये जरा सिलेक्टिव है, ये थोड़ा सिलेक्टिव है, ये सिलेक्टिव है। मैं लकड़ पत्थर आदम बनता हूं। सीरियसली? ओके, कितने डिफरेंट एजेस में? 6 साल का। 6 साल का। अच्छा माशाल्लाह तुमने अभी रिसेंटली अवार्ड लिया है, बेस्ट किस चीज? चाइल्ड स्टार का। चाइल्ड स्टार का लिया है, किस उस पे मतलब कहां से तुमने वो किया है? हम अवार्ड्स का अवार्ड्स था, तो मैं ह्यूस्टन गया था उनके साथ, तो वहाँ पे मुझे मिला था अवार्ड बेस्ट चाइल्ड एक्टर इन पाकिस्तान। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने बैठा हूँ। ओहो माशाल्लाह यार, मतलब पूरे पाकिस्तान में मतलब यार वेरी टैलेंटेड, क्योंकि पाकिस्तानियों को बाहर इतना कहाँ वैल्यू देते हैं। नहीं मैं इस चीज को क्लियर करता चलूं, हमारे पाकिस्तान के जो एक्टर्स है ना, ठीक है, जब हम बाहर जाते हैं ना, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतनी रिस्पेक्ट। ओके, एक्ट्रेस को? एक्टर्स, एक्टर्स एक्ट्रेसेस, मतलब जितने हमारा पाकिस्तानी मीडिया है ना, तो मेरी हमारी जितनी भी बाहर की आवाम है, यूरोप में समझ लें आप, कनाडा में, अमेरिका में, यूके में, ठीक है, आपका दुबई में, जितना ऑल ओवर पाकिस्तान से बाहर और पाकिस्तान में भी है, तो उन लोगों का बहुत बहुत हम शुक्रगुजार हैं जी कि इतनी इज्जत वो देते हैं हम लोगों को माशाल्लाह। okay. आप जब जाते हैं अवार्ड्स पे, जैसे हम अवार्ड्स होते हैं, लक्स स्टाइल अवार्ड्स होते हैं, डिफरेंट अवार्ड्स हमारे पाकिस्तान में होते हैं। okay. तो माशाल्लाह इतनी क्रेजी ऑडियंस है वहाँ की, इतनी क्रेजी ऑडियंस है कि वो उतनी क्रेजी ऑडियंस आज तक पाकिस्तान में अच्छा, भी आपने कभी नहीं देखी। रिसेंटली अभी दुबई में जो अवार्ड्स हुए थे ना, तो वो पाकिस्तान जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो हम लोगों से बहुत मतलब एक कहते हैं ना उसको, बहुत क्लोज है हम पाकिस्तानी एक्टर्स से। अच्छा मतलब हम वहाँ जाते हैं तो हम लोगों को ऐसा नहीं लगता कि वो फैंस हो, ऐसा लगता है यार कोई फैमिली के लोग मिल रहे हैं। अच्छा। जैसे ये लोग अभी ह्यूस्टन गए थे। ओके। तो वहाँ पे ये वहाँ पहुंचे हैं और लोगों ने क्या कहते हैं अपने घरों के लिए इनविटेशन उनको दिए कि यार आप लोग आए हमारे साथ डिनर करें, लंच करें, ये करें। तो हमारे बाहर जो जितने भी पाकिस्तानी बैठे हुए हैं ना, वो अगर उनके पास केबल बाहर के रीजन में नहीं आ रही, वो यूट्यूब पर उनकी 85-90% जिनकी सर्च हिस्ट्री है वो पाकिस्तानी ड्रामों से भरी हुई है। अच्छा ओके यार, लेकिन यार हमारा जो आदि ट्रेडिशनल है पाकिस्तानी शोबिज में कि लोग जब बाहर से काम करके आते हैं उनकी वैल्यू ज्यादा बढ़ जाती है, ऐसा क्यों? जैसे रिसेंटली जैसे इमरान अब्बास हो गया, फवाद खान हो गया, और भी फीमेल एक्ट्रेस भी हमारी गई है, तो उनकी बजट ज्यादा बढ़ जाते हैं, उनका लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है पाकिस्तान में। बजट की बात नहीं है, बजट जो है वो अब हर बंदे का अपना अपना बजट है, ठीक है। okay. वो ना उसमें हम किसी का कंसर्न भी हम नहीं, जरूरत नहीं है। नहीं वो कहते हैं कि वहां से हम काम करके वही मतलब प्रोफाइल हमारी, देखिए वो अगर यहाँ पाकिस्तान से बाहर किसी की स्क्रीन पे काम करने गए तो वो हम सबके लिए फख्र की बात है। हाँ ये बात भी है कि वो हमारे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हुए वहाँ उनके पास काम करके आए हैं, ये भी है। जैसे हमारे फवाद खान है, बिल्कुल ऐसे, ठीक है, हमारे अपना इमरान अब्बास है, ठीक है, हमारे मावरा है, बिल्कुल हाँ, ठीक है, फिर उसके बाद और बहुत सारे हमारे एक्ट्रेस, फिर उसके बाद आतिफ असलम, आतिफ असलम तो कितने गाने उन्होंने इंडिया को दिए, ठीक है, तो वो ये हमारे लिए खुशी की बात है कि वो हमारे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करके आए हैं। तो वो अगर पाकिस्तान में आके अपना बजट ऊपर मांगते भी हैं या अगर वो कुछ करते भी हैं तो वो तो सही ऑब्वियसली बात है, ठीक है। ओके ओके ठीक है। अच्छा जिद्दी कौन है दोनों में से ज्यादा? बहुत ज्यादा जिद्दी है कि ये चीज चाहिए तो चाहिए मुझे अभी इसी वक्त चाहिए। अच्छा तुम नहीं इतने? नहीं मैं शरीफ बच्चा। अम्मी के सामने किसकी चलती है ज्यादा? इनकी। अच्छा ये ज्यादा और रो बोप जमाते हैं भाई? नहीं नहीं अम्मी के आगे इस तरह चलती है कि जो राइट पे है ना मामा उसका साथ देती है हमेशा। अच्छा समी आपको रिसेंटली अभी अवार्ड मिला है बेस्ट मतलब पाकिस्तानी, मुझे थोड़ी डिटेल में बताओ, मुझे आइडिया नहीं है किस चीज से तुम्हें मतलब उन्होंने नवाजा। एक्चुअली मैंने जो ड्रामा किया था सुनो चंदा जो बहुत पॉपुलर हुआ था तो उसकी वजह से मुझे हम स्टाइल अवार्ड्स का अवार्ड मिला बेस्ट चाइल्ड स्टार। तो वो ह्यूस्टन में हुए थे तो मैं गया था तो वहाँ से मैंने अवार्ड लिया तो
बस so, ये माशाल्लाह वन एंड वन एंड ओनली चाइल्ड स्टार इन पाकिस्तान को अवार्ड मिला माशाल्लाह। हां तो वो तो तुम्हें मतलब क्या फीलिंग आई जब अवार्ड मिला? तो घर में लड़ाइयाँ होती कि मैं ज्यादा अच्छा काम करता हूँ, अभी दो प्रोजेक्ट सुनो चंदा चुपके चुपके लेवल के हो गए तो वो तो देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये किसी प्रोजेक्ट को नीचे नहीं करूंगा ना इसके वाले को ना अपने वाले को, दोनों माशाल्लाह हम टीवी के हिट प्रोजेक्ट गए हैं हर रमजान के अंदर। तो वो जब हम डाइनिंग टेबल पे होते तो कभी कभार एक आधा क्लैश आ जाता है बीच के अंदर, तो वैसा क्लैश आता है, वो ऐसा क्लैश आता है कि बस फिर पहले तो मैंने किया ये बताओ मुझे तो अवार्ड मिला है। अच्छा अम्मी के सामने ज्यादा एक्शन कौन देता है? कुछ मामलातों में नहीं मामा स्ट्रिक्ट नहीं है, है कुछ मामलातों में तो नहीं, कुछ मामलात भी ऐसे नहीं कि हमारा असल में जो अम्मी के साथ हमारा जो कॉम्बिनेशन और ताल्लुक है ना वो हमारा फ्रेंडली है, ठीक है, दोस्तों वाला फ्रीडम। हाँ जहाँ पे मामा की एक चीज है, मामा कहती है यार कुछ चीजें जो मेरे हिसाब से चलो रात को जल्दी सो, ठीक है, सुबह जल्दी उठो, टाइम पे नाश्ता करो, टाइम पे काम पे जाओ, ये करो वो करो। अब वो होता है कि आजकल के हम लोग जो है वाईफाई मिल गया है, मोबाइल फोन आए हुए हैं, तो क्या खेलते हो? मैं इतना मोबाइल किड नहीं हूँ। नहीं नहीं अब नहीं इतना नहीं, पहले बहुत खेलते थे गेम्स लेकिन अब थोड़ा जो हूँ आउटडोर में ज्यादा रहता हूँ। ओके साइकिलिंग करते रहते हैं उसके बाद फिर अपना हम हाँ ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का ही, जैसे मैंने आपको बताया मेरा ताल्लुक मोटर स्पोर्ट्स से भी है, तो मोटर स्पोर्ट्स से तो बस वो भी एक शौक है तो उसको स्टडी करना है, इस शौक में काम करना है। लेकिन वो यही होता है कि जब हम किसी अगर फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे हैं जैसे आपकी प्रोडक्शन है तो हम आपसे पहले में ये डील करेंगे यार ये टाइमिंग्स अगर समी के स्कूलिंग मैं प्राइवेट स्टूडेंट हूँ, ठीक है, मेरा इतना इशू नहीं होता, ठीक है, मैं घर पे बैठ के पढ़ता हूँ, होम ट्यूशन पे हूँ मैं और बस एग्जाम्स देने होते हैं मुझे, तो इनका ये होता है कि ये बस अपना अब स्कूल के अंदर हाँ लॉकडाउन है, ऑन एंड ऑफ चल रहा होता है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, तीन दिन होता है, दो दिन होता है स्कूल, उसके बाद वही वापस। दोनों में से सबसे ज्यादा गुस्सा किसको आता है? फौरन गुस्सा आ जाता है बिल्कुल मतलब आग लग जाती है सीन। अच्छा तुम ज्यादा गुस्सा करते हो? मुझे मतलब मेरी हटती इस चीज से कि अगर मैं यहाँ बैठा हुआ नहीं मैं बताता हूँ इनकी हटती किस चीज से तो गुस्सा किस चीज पे आता है। नहीं आप जो बोलो इनको ये आता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आके बैठा हूँ यार सभी पानी पिला दो गुस्सा, ठीक है समी यार फोन का चार्जर गुस्सा, मतलब कि मैं अगर हाँ अगर अगर ये खड़ा हुआ है ना इससे काम करा सकते हो तो करा लो, एक दफा ये सोफे पे बैठ जाए, बेड पे बैठ जाए, बीन बैग पे बैठ जाए, किसी भी चीज पे बैठ जाए, उसके बाद तो आप इसके आगे सोने का स्टेक रख दो या कुछ भी रख दो वो खा लेगा हिलेगा नहीं अपनी जगह से। नहीं मतलब अपना काम खुद करना चाहिए, कहते ना अपनी मदद आपके तय आप खुद करो, मैं अपना काम खुद कर लेता हूँ, हाँ दो तीन जो होते हैं वो मैं करवा लेता हूँ भाई से, ज्यादातर नहीं लेकिन मैं कहती हूँ अगर मैं अपने काम करूं तो आप अपने काम करो। अच्छा एहसान नहीं रखना किसी का भी भाई के काम को करने में आसानी हो कि एहसान नहीं करो मुझ पे। हाँ जी हाँ जी। अच्छा इन फ्यूचर क्या शौक है मतलब क्या बनना है? एक्ट्रेस तो बन गए हो इसके अलावा बताओ, इंजीनियर आपने तो हाँ अभी तो बताया मैंने आपको ऑटोमोबाइल का, भाई के साथ साथ जाएंगे जा जाएंगे इंजीनियर ही बनना, जो मतलब जो भाई करेंगे वो करना, इनके शौक चेंज होते रहते हैं। अच्छा होते रहते हैं, मेरा अभी जैसे ये कभी ये पायलट बनने का बोलते हैं, कभी ये कहीं एयरफोर्स में जाने का बोलते हैं, कभी ये कुछ बोलते हैं, एक जगह नहीं टिकते, इसके लिए हम लोगों ने ये सोचा हुआ है कि एक दफा ये सीधा हो जाए बड़ा हो जाए फिर उसके बाद एक ही दफा डाल देंगे, हाँ जब बोलेगा उधर ही कर देंगे। ओके अच्छा मुझे ये बताओ शोबिज में इतना काम किया सबसे ज्यादा किसके साथ काम करके अच्छा लगा तुम लोग? मैंने अभी जैसे ये किया था ना चुपके चुपके, तो इसके अंदर वैसे तो मेरे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे ड्रामास जो जितने भी किए हैं उसके अंदर जितने भी मेरे को स्टार्स थे
सब अच्छे थे, बहुत अच्छे थे. तो अभी रिसेंटली जो मैंने किया है चुपके चुपके, इसके अंदर अगर हम मील्स की बात करें तो माशाल्लाह ड्रामा भी 1.5 साल के अंदर कंप्लीट हुआ है पूरा. अच्छा, बिकॉज ऑफ लॉकडाउन और उसके बाद थोड़ा ड्रैग हो गया, प्रोजेक्ट ना ड्रैग हो गया थोड़ा सा. अच्छा, तो उसके अंदर हमारा ये माहौल था कि हम अपने घर से खुशी खुशी निकलते थे. अच्छा, मतलब कि सुबह शूट के लिए जैसे एडी ने कॉल किया, यार आदि भाई आप लोगों ने 9 बजे पहुंचना है, गाड़ी आपके पास 8:30 बजे नीचे घर पे होगी. ओके, हम खुशी खुशी उठ के जाते थे, यार चलो सेट पे जा रहे हैं. वो इतना अच्छा माहौल बन गया था. मैं उस्मान, खालिद बट हम बॉयज अलग हो जाते थे, फीमेल्स अलग हो जाती थी. बस सीन हो ना हो, हम अपने कमरे में बैठ के सुकून से बातें कर रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, कोई गाना गा रहा है, कोई डांस कर रहा है, कोई कुछ हो रहा है, फुल माहौल वाला सिस्टम. तो मैं ज्यादा चुपके चुपके के सेट पे मुझे मजा आया, बिकॉज़ कि वो एक तो प्रोजेक्ट आपका जितना डिले हो उसके बाद आपका क्या कहते हैं बाउंडिंग स्ट्रांग हो ना, तो वो बाउंडिंग जो होती है वो आपकी ऑन स्क्रीन भी अच्छी लगती है, ऑफ स्क्रीन भी आप लोग एक साथ इकट्ठे रहते हो ना, तो वो हमें ऐसा लगता था जब हम जाते थे घर से कि हम बिग बॉस में आ गए हैं, हम अपने बिग बॉस में आ गए हैं. हमारे जो दानिश नवाज हैं हमारे बिग बॉस हैं, ठीक है, जो हमारे डायरेक्टर थे. और बस हम लोग क्या कहते हैं वहाँ पे अपना कर रहे हैं, रात को घर जाएंगे, सुबह उठ के फिर वापस आना. हमने तो ऐसा ऐसा भी किया है कि हम दिन में सोते थे, रात सारी रात शूट करते थे, फिर हम दिन में जाके सो जाते थे, फिर सारी रात शूट करते थे. मतलब हम लोग ऑपोजिट हो गए थे. आपको वही सुनो चिंदा जो किया था उसके अंदर, मतलब वही वाली बात, जब बॉन्डिंग अच्छी बन जाती है ना, आप मतलब आपको वो घर वाली बात हो जाती है, वो सेट वाली नहीं होती. वो बोला नहीं कि हाँ बस गए सीन किया, चलो ठीक है यार जाके कोने में बैठ गए. नहीं, सीन क्या, सीन करने के बाद वहीं पर कभी कभी सारे बैठ जाते थे, कभी मेकअप रूम में जाके. हाँ, इस तरह बैठे में सीन आ गया, अच्छा चलो बाद में कर लेंगे. इस तरह सीन है वहां. हां, ऐसे मजा भी आता है ना कि आप फ्रेंडली और फैमिली. देखिए आप अगर एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं ना, तो आपका जो कैप्टन ऑफ द शिप है, डायरेक्टर जो आपका है, आपको उसके साथ अपने को स्टार्स के साथ, ठीक है, इनके साथ बाउंडिंग खुद बनानी पड़ती है. बनती नहीं है वो, तो ठीक है, आपको खुद बनानी पड़ती है. न्यू लोग होते हैं जब आप पहले पहले दिन जाते हैं, कैसा अजीब सा गिल्ड अगर आप जाके हाँ जी कैसा है इसके साथ हमने काम, आपको खुद अगर आपने ऑन स्क्रीन, ये बात ऐसे नहीं कि आपने लॉन्ग टर्म रिलेशन रखना किसी के साथ, वो आपके ऊपर तो है, होती ना जो ठीक है, वो आपके ऊपर है, ठीक है. आप अगर अपने किसी कोस्टार के साथ बाउंडिंग अच्छी कर रहे हो तो वो आपके लिए ऑन स्क्रीन बहुत अच्छा है. और अल्हम्दुलिल्लाह जिनके साथ हमारी बाउंडिंग अच्छी है वो ऑफ स्क्रीन भी हमारे साथ, आज भी हम लिंक में सारे आपस में होते हैं. ये बात करने वाली होती है कि यार हमारे एक्टर्स में नखरा है, ये है वो है, किसी में भी, हम भी एक एक्टर हैं, ठीक है, हमें तो नहीं है किसी चीज में नखरा. अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि सेट पे गए और कोई जिसके साथ काम करना पसंद नहीं है वही बंदा आ गया काम करने के लिए? देखिए अगर पसंद ना पसंद वो अलग चीज है, काम तो काम है, आपको करना है. नहीं, जैसे होता है ना कि यार इसके साथ मुझे तो नहीं देखिए ये आपकी रोजी रोटी है, ये आपकी रोजी रोटी है, ठीक है, पसंद ना पसंद नहीं चलती, मतलब करना है. ऐसा हुआ है? नहीं हुआ तो नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ. दोनों के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग रही है, सबके साथ काम करने में मजा आया. अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा आदि, आप लोगों ने इतना काम किया, सबसे ज्यादा मतलब किस डायरेक्टर के साथ मजा आया काम करने में? मैंने जो सुनो चंदा किया था उसके अंदर S47 था, SN सर. तो अच्छा, मैंने भी काम किया उनके साथ. वो स्ट्रिक्ट भी है लेकिन वो स्ट्रिक्ट अपनी जगह पे सही है. वो कह रहे हैं हाँ सीन नहीं है, जितना शुगर करना है करो, कोई मना नहीं कर रहा. सीन हो रहा है सीन के अंदर फिर घुस के काम करो, ऐसा नहीं है कि सीन के अंदर भी आप शुगर कर रहे हो, इधर बात हो रही है, आप इधर हंस रहे हो. अच्छा, नहीं हाँ, वो कहते हैं हाँ चीज अच्छी मिलनी चाहिए, अच्छी मिल जाए तो फिर वो इतने खुश होते हैं. मेरे जैसे अभी मैंने निभा किया था, ARY का था वो मेरा. अच्छा, हाँ निभा था, पुराना है वो भी. तो उसमें मेरे डायरेक्टर थे आबिस रजा, ही हेल्प मी अलॉट. मैं हम बेसिकली इस्लामाबाद से, तो हमारी उर्दू में थोड़ा सा ना आईन. यू बेस्ड इन इस्लामाबाद? हाँ जी. तो हमारा जो वो है अपना आईन और ओ वाओ, हमारा वो जरा ना आगे पीछे लग जाता है. अच्छा, तो उन्होंने मेरा उर्दू ठीक की, मतलब आपकी उर्दू कुछ सेंटेंसेस में, कुछ जुमलों में उन्होंने मुझे थोड़ा करेक्ट किया. और उसके बाद आपका अलग भला करे, फिर आ जाते हैं हमारे दानिश भाई, अब बहुत अच्छे हैं, डाउन टू अर्थ, बेस्ट डायरेक्टर, ठीक है, बेस्ट एक्टर, माशाल्लाह वो एक्टर भी बहुत अच्छे, कॉमेडियन बहुत अच्छे हैं. बहुत अच्छा लगा यार आप लोगों से बात करके, आपकी थिंकिंग भी बहुत अच्छी है, बेस्ट ऑफ लक इन योर फ्यूचर, आगे भी बहुत आगे जाओ माशाल्लाह. काम तो बहुत अच्छा कर रहा है, आगे भी कर रहे हो, आगे भी करोगे. और एक एक मैसेज अपना अपना दो दोनों, जो न्यू लोग आने वाले हैं काम करने वाले उनके लिए. यार मेरा जो मैसेज है ना न्यू कमर्स के लिए,
वो ये है कि यार देखो, अगर आप किसी भी फील्ड में हो, इधर वो आपकी एक्टिंग है, इधर वो आपकी क्या कहते हैं इंजीनियरिंग है, डॉक्टर है, एज अ कुछ भी आप कोई भी प्रोफेशन आप उसमें सिलेक्ट करते हो, चूज करते हो अपने लिए, तो आप यार जो भी करो ना, अपनी मेहनत करो ना, तो आपको उसका फल मिलता है, ठीक है। और दिल लगा के मेहनत करो, अपने माँ बाप की इज्जत करो, ठीक है, क्योंकि आपके माँ बाप भी आपके आपके सपोर्टिव है ना, तो आप कामयाब हो, ठीक है। और सबसे पहली चीज कि हर काम करो, मतलब अच्छा काम किसी भी फील्ड में जाओ, अपने अल्लाह को याद रखो, बस। बिल्कुल, दैट्स ट्रू। आज दो कुछ मैसेज, तुम भी कोई न्यू टैलेंट आना चाहता है काम करके, देखिए एक ही चीज़ बोलूँगा कि आप अपने पर ट्रस्ट कर रहे हो ना, तो आप आगे कुछ कर सकते हो। आप अपने पर सोचो, आप वही वाली बात है, अगर आपके पीछे सपोर्ट है तो आप बहुत कुछ कर सकते हो, आप सबसे आगे निकल सकते हो। बिल्कुल ऐसे ही, तो यही है, दिल लगा के काम, दिल लगा के काम करो, दिल से करो काम, बिल्कुल हकीकत है। तो जी नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद थे आदि और समी, बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। फिर मुलाकात होगी एक नए शो के साथ और नए गेस्ट के साथ, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।